बातों के आगे। वैसे तो तू रक्षम को देख कर चिढ़ता रहता है, आज इतना ज्यादा प्यार क्यों कर रहा है? मतलब बता ना यार जल्दी से, बात क्या है, कंट्रोल नहीं हो रहा थी। सोनम जो चाहती थी वो फाइनली एक के बाद एक हो रहा है दालमिया हाउस में। पहले बुआ दादी से वो परेशान थी तो बुआ दादी जी चली गई, अब सावी वो चाहती थी कि सावी को इम्पोर्टेंस ना मिले और सारी इम्पोर्टेंस मुझे मिले, तो सावी भी फाइनली चली गई। और अब तीसरी खुशखबरी ये है कि सोनम को पता चल चुका है कि अभी रक्षम आधा पार्टनर होने वाला है दालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। एंड यू नो परिवार को थोड़ा सा दिख भी जाता है कि अरे ये इतना क्या खुश हो रही है, बट देन वो संभव अपने आप को कंट्रोल करती है। एंड नित्यम उसे जिम्मेदारी दे देता है कि पार्टी जो है रक्षम भैया की बर्थडे पार्टी है वो आप ही ऑर्गेनाइज करोगे और सारा कुछ अरेंजमेंट आप ही करोगे, तो सोनम खुश हो जाती है, क्रेडिट कार्ड भी ले लेती है और अभी देखते हैं आगे कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं रक्षम की बर्थडे पे। टू बी ऑनेस्ट आगे की स्क्रिप्ट हम रिवील नहीं कर सकते एज पर द शो, एंड होगा ऑफकोर्स कुछ ना कुछ ड्रामा तो होगा, सोनम है और ड्रामा ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली रक्षम की बर्थडे पे भी कुछ ना कुछ भड़ाका तड़कता भड़कता कुछ तो होगा सोनम के थ्रू। आई थिंक वी ऑल आर लाइक फैमिली टुगेदर एंड वी डू शेयर अ ग्रेट बॉन्ड ऑन स्क्रीन, हमारे सीन्स अच्छे आते हैं, ऑफ स्क्रीन वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, सो ओवरऑल वी वर्क लाइक अ फैमिली एंड इट्स फन। वुड जस्ट से दैट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, लविंग अस एंड कीप वॉचिंग आवर शो एवरी डे 6 PM ऑन कलर्स सावी की सवारी।